हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम गौरी पारेख बैक विद यू। जो लोग मुझे जानते हैं उनके लिए मेरा हाय, और जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता देती हूँ। मैं DIY वीडियोस बनाती हूँ जिसमें मैं मोस्टली यूज्ड एंड जो रद्दी जिसे हम बोलते हैं उसी टाइप का मटेरियल यूज लेती हूँ। तो मेरे वीडियोस बहुत इको फ्रेंडली होते हैं, सेव मदर अर्थ एंड ऑल दिस। सो इस वीडियो में मैं कार्डबोर्ड से और जो हमारे फॉइल पेपर के रोल्स आते हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, उनसे एक टेबल बना रही हूँ। साइड टेबल मैंने इसमें बनाया है, बहुत ही स्टेडी है, आप उसे बैठने के लिए भी यूज़ ले सकते हैं अगर आप उसको थोड़ा और ब्रॉड बनाते हैं तो। अदरवाइज आप उसे कॉर्नर में रख सकते हैं जिसके ऊपर आप अच्छा सा कोई पोर्ट रख सकते हैं या कोई और आपके पास आर्ट वर्क हो वो आप उस पर रख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले ये कुछ रोल्स लिए हैं, कार्डबोर्ड रोल्स, जो कि हमारे जो हमारा एल्यूमिनियम फॉयल आता है उसके अंदर हमें निकलते हैं। तो आप अगर एल्यूमिनियम फॉयल घर पे यूज़ लेते हैं तो आप कलेक्ट कर सकते हैं इन्हें, और अगर एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ नहीं लेते तो आप किसी स्क्रैप सेलर से भी आप इसे ले सकते हैं। रद्दी वाला जो भैया अपने आता है उनके पास में भी काफ़ी मिल जाते हैं, और वो आपको बहुत इजीली, मतलब बहुत चीप रेट में, लाइक 1 रुपीज पर पीस करके आपको दे देंगे। एंड या तो मैंने इन सबको लिया है, और मैंने पहले एक बीच में लगाया, फिर साइड्स में लगा के एक रिंग सेट किया और उसे डक्ट टेप की हेल्प से चिपका दिया है। इसके अलावा मैं इसके बीच में फेविकॉल भी लगाऊंगी चिपकाने के लिए, क्योंकि हमें इसे टेप से नहीं चिपकाना है, हमें इसे फेविकॉल से ही चिपकाना है। फेविकॉल मैं यूज़ ले रही हूँ यहाँ पे, जो हम फर्नीचर के लिए जो फेविकॉल यूज़ लेते हैं कारपेंटर, वो वाला फेविकॉल मैंने यूज़ लिया है यहाँ पे ताकि बॉन्डिंग अच्छी रहे। फेविकॉल को अच्छे से आप फैला लीजिए और फिर उसको चिपका दीजिए। अब मैं ये कुछ जो तीन मैंने यहाँ पे लिए रोल्स लिए हैं, ये थोड़ा सा मैं हाफ पे लेके और फिर लगा रही हूँ, क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी कम रहती है टेबल के हिसाब से, तो हाइट बढ़ाने के लिए मैं इसको इस तरह से लगाऊंगी। मुझे इन तीनों को इक्वली मार्क कर लेना है, तो मैंने इनको मार्क कर लिया है सेंटर में से, और अब मैं इसे इस मार्क के अकॉर्डिंगली इनको भी पेस्ट करा लूँगी। तीनों को हमें इक्वल गैप देते हुए पेस्ट कराना है, लाइक मैंने एक यहाँ कराया है तो नेक्स्ट में जिनके बीच में 2 पाइप्स का गैप दूंगी और फिर लगाऊंगी, और फिर 2 पाइप्स का गैप देके एक और लगाऊंगी। ये मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हैं हाइट भी एकदम इक्वल रखनी है। इन्हें फेविकॉल की हेल्प से लगाएंगे और फिर टेप से लगा के इन्हें हम सूखने के लिए रख देंगे, ताकि टेप इसलिए यूज़ ले रहे हैं ताकि ये मूव ना करे और अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। फिर हम सर्कल्स काटेंगे जो मैंने कार्डबोर्ड से काटे हैं। आप कार्डबोर्ड, मतलब जो अपने कार्टून आते हैं उनका भी यूज़ ले सकते हैं, और कोई कार्डबोर्ड शीट आपके पास पड़ी हो तो आप वो भी यूज़ ले सकते हैं। प्लेट की या आप प्रकार या मतलब किसी भी तरह से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, और सर्कल इतना बड़ा हो कि आपकी सीट जो आपने पाइप जो चिपकाए हैं साथ में उन्हें पूरी तरह से कवर कर सके। इस तरह से मैंने 4 पीसेस कट किए हैं और मैं उन चारों को एक के ऊपर एक फेविकॉल की हेल्प से चिपका रही हूँ। फेविकॉल स्प्रेड कराने के लिए आप ब्रश यूज़ ले सकते हैं, ना हो तो आपको नया ब्रश खरीद के लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना फिंगर भी यूज़ ले सकते हैं, सबसे बढ़िया तरीका होता है, मैं तो यही यूज़ लेती हूँ। तो हमने चिपका लिया है, अब मैं जो यू सूख चुका है तो मैं इसके ऊपर की साइड जो स्पेस खाली रह गया है वहाँ के लिए भी पाइप्स कट करके और वहाँ लगाऊंगी। अगर हम वहाँ पाइप नहीं लगाएंगे तो हमारा टेबल स्टेडी नहीं होगा और वो ज़्यादा वजन पड़ने पर नीचे की तरफ जा सकता है।
तो जब तक ये ड्राई हो रहा है पेस्ट कराने के बाद में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी हिट कर दीजिए। आपके ऐसा करने से मुझे बहुत इनक्रेजमेंट मिलेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियोस बना के लाते रहने का। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन। सभी रूल्स को अच्छे से चिपका देने के बाद में, अब हम एक पेपर लेंगे। ऑफ कोर्स रद्दी पेपर लेना है, तो उसको बराबर स्टेप्स में कट कर लेंगे। और एक प्लेट लेंगे जिसमें थोड़ा फेविकॉल लेंगे, सेम फेविकॉल जो हम यूज़ ले रहे हैं कारपेंटर वाला, उसमें थोड़ा पानी मिला लेंगे और उसको थोड़ा मतलब लूज़ कर लेंगे ताकि वो अच्छे से स्प्रेड हो सके और हमें बहुत ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़े। अब फेविकॉल में हमें अपना न्यूज़पेपर के जो स्ट्रिप्स हमने काटे हैं उन्हें डिप कराना है और उसके चारों तरफ सर्कल बनाते हुए उसको तो पूरा कवर करते हुए पेस्ट करा देना है। जैसे मैं इसमें करा रही हूँ, उसको अच्छे से पूरा पेस्ट करा, पूरा कवर करना है न्यूज़पेपर से। दो चार लेयर अगर आप करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा, तो ये और भी मज़बूत आपका टेबल बनेगा। इसी तरह से पूरा आपको पेपर से कवर कराना है और फिर उसके ऊपर मैं यहाँ पे पेपर मेशी लगा रही हूँ। पेपर मेशी मार्केट में मिल जाती है, 30 रुपए का एक पूरा बंडल आता है जिसपे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं, तो ये बहुत ही चीप है। तो या मैंने एक लेयर पहले लगा दिया था और उसके ड्राई कर कर होने के बाद में मैं एक दूसरा लेयर इसके ऊपर और लगा रही हूँ। पेपर मेशी को आपको जिस कंडीशन में वो आती है वैसे ही नहीं लगाना होता है उसको। आप थोड़ा पानी में, एक बर्तन में बाउल में रखिए और थोड़ा पानी उसके अंदर डाल के उसको लूज़ करा लीजिए। कुछ 1-2 घंटे के लिए आप उसको पानी में छोड़ेंगे तो वो थोड़ा लूज़ हो जाएगा, पेस्ट जैसा बन जाएगा, और फिर आपको इसके ऊपर लगाना है। इसी तरह से आपको जो उसका सीट जो हमने बनाया था, जो टॉप बनाया था, उसके ऊपर भी इसको पूरी पेपर मेशी से, और पहले न्यूज़पेपर से फिर पेपर मेशी से कवर करा लेना है अच्छे से और ड्राई होने के लिए रख देना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से आपको पूरा पेपर मेशी से और न्यूज़पेपर से कवर करना है। अब ड्राई होने के बाद हमें सिर्फ इसे कलर करना है, तो हम इसको सेपरेटली कलर करेंगे। मैं दो कलर में कलर कर रही हूँ, एक मैं गोल्ड कर रही हूँ, दूसरा मैं वाइट कर रही हूँ जो कि पर्ल वाइट है, या सिल्वर भी आप उसे काउंट कर सकते हैं। गोल्ड में स्प्रे पेंट यूज़ ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा बड़े पोर्शन में मुझे करना है और मेरे पास अभी अवेलेबल भी गोल्ड में यही है। उसके बाद में जो ऊपर वाला जो मैं सीट या टॉप इसका है वो वाइट से या पर्ल सिल्वर से करूँगी, और बस उसके बाद में आप उस पर कुछ भी अपनी तरफ से टेक्सचर टोन्स दे सकते हैं। मैंने यहाँ स्टार्स बनाए हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। सो इट्स कंप्लीट। तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, कमेंट फॉर मोर एंड गिव मी सम सजेशंस फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।